हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ भिंडी मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम भिंडी, जिसको मैंने ऐसे पीसेस में काट लिया है। एक मीडियम साइज चॉप टमाटर, एक मीडियम साइज चॉप्ड प्याज, एक मीडियम साइज आलू, आलू ऑप्शनल है, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और चॉप्ड हरी मिर्च। मसालों में हमें चाहिए 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार, थोड़ा सा साबुत जीरा और चाहिए मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल। तो सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे और इसके लिए हमें कढ़ाई पे 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें कटे हुए भिंडी को फ्राइंग के लिए ऐड कर लेंगे। ध्यान रखिए कि भिंडी को फ्राई करने के टाइम इसमें नमक ऐड नहीं करना है, नहीं तो भिंडी नरम हो जाएगा। भिंडी को हम मीडियम फ्लेम में तब तक फ्राई करते रहेंगे जब तक न ये लाइट गोल्डन ब्राउन और लाइटली क्रिस्पी फ्राई हो जाए। ये फ्राई हो चुका है तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई पे थोड़ा सा और तेल ऐड कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा। तेल तभी ऐड कीजिए अगर ज़रूरत हो तो। साबुत जीरे को हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट और चॉप्ड हरी मिर्च। लहसुन को हम लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड प्याज को। प्याज को हम स्टर कर लेंगे। इसमें हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे ताकि प्याज जल्दी नरम हो जाए। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। अब हम प्याज को भी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें एक एक करके हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ना इसमें से ऑयल अलग होने लगे। मसालों को फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप टमाटर को। इसको थोड़ा सा स्टर कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए आलू को। आलू ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो मत ऐड कीजिए। अब हम इन सारी चीज़ों को 2 से 2.5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि टमाटर नरम हो जाए। अब हम आलू को कुक करने के लिए इसमें ऐड करेंगे अराउंड 1 कप पानी। अगर आपको आलू नहीं यूज़ करना है तो अराउंड 1/2 कप पानी ऐड कीजिए। अब हम कढ़ाई को 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कवर कर देंगे ताकि आलू परफेक्टली कुक हो जाए। इसको ऐसे हल्के से लैडल से प्रेस कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए भिंडी को। भिंडी को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-1.5 मिनट के लिए शिमर कर लेंगे। तो दोस्तों, भिंडी मसाला तैयार हो चुका है। इसको आप रोटी, चावल या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हो। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई है और अगर पसंद आई है तो इस रेसिपी को एक लाइक कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।